यस हेलो स्टूडेंट बेटा, इन प्रीवियस क्लास वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कॉफिशेंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, नाउ इन दिस क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द जीरोज, हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. व्हेन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन, देन हाउ टू फाइंड द जीरोज एंड हाउ टू वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कॉफिशेंट्स. एंड सेकेंड थिंग इज फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर गिवन. दैट इज इन द एक्सरसाइज 2.3. ठीक है ना, वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.3. Now let us consider we have the quadratic equation. This is x square plus 7x plus 10. Okay, this quadratic equation is given. In question they ask about find the zeros of the quadratic polynomial. So to find the zeros of the polynomial we have one simple method, that is the factorization method, means middle term splitting method. हमने discuss किया था. So first we have to find the two numbers whose sum or product is equals to 7x and whose product means multiplication must be equals to 10x square. Okay, so the two numbers are 5 and 2. ठीक है ना, when we plus 5 and 2 then answer is 7x and when we multiply 5x and 2x this is equals to 10x square. नाउ बेटा अब हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है. सो दिस इज एक्स स्क्वायर एज सच, देन प्लस 7x की स्पेस पे हमें क्या लिखना है, दिस इज इक्वल्स टू 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x प्लस 10 को एज सच. नाउ इन दो टर्म में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, x, और अंदर क्या बचेगा लेफ्ट आउट, x प्लस 5 एंड प्लस इन दोनों में से कॉमन हम 2 ले सकते हैं बिकॉज 10 जो है 2 की टेबल में आता है, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2. सो 2 बाहर लिया तो अंदर क्या बचा, x प्लस 5. इन पूरी टर्म में से x प्लस 5 इज कॉमन इन बोथ द साइड्स, सो x प्लस 5 बाहर लिया है, अंदर जो बचा है दिस इज x प्लस 2. सो बेटा दो जीरोज हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि आइदर दिस इज इक्वल्स टू 0 और दिस इज इक्वल्स टू 0. सो x इज इक्वल्स टू माइनस 5, दिस इज 1 0, और x इज इक्वल्स टू माइनस 2, दिस इज अनदर 0. अब हमने जीरोज तो फाइंड आउट कर लिए, नाउ वी हैव टू वेरीफाई. वेरीफाई मीन्स रिलेशन हमें पता है, दैट सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज इक्वल्स टू सी बाय ए. ये तो हमें पता है, बट वी हैव टू वेरीफाई मीन्स हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है कि जो हमने जीरोज फाइंड आउट की हैं वो इसे सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही. ओके, सो सम ऑफ द जीरोज मीन्स सम ऑफ माइनस 5 एंड माइनस 2. This is minus 5 plus minus 2 is equals to, this is b by a. Now compare this equation with the general quadratic equation. So बेटा जब हम इसे कंपेयर करेंगे विद द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन a इज इक्वल्स टू x स्क्वायर के आगे क्या है 1, सो a इज इक्वल्स टू 1 एंड व्हाट इज b, b इज इक्वल्स टू 7 एंड c इज इक्वल्स टू 10. ओके, सो बेटा put the values of b and a here. So minus b is equals to 7 and a is equals to 1. So now solve it. Minus 5 minus 2 is equals to minus 7. Minus 7 is equals to minus 2. So hence this is verified. And in second case, alpha into beta means minus 5 into minus 2. Multiply karna hai and c is equals to 10 and a is equals to 1. So this is 5 to the 10 and minus minus is plus is equals to 10. तो ये हमारे पास है वेरीफिकेशन. तो आप लोगों को ध्यान ये रखना है, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन देम, सो बेटा आप लोगों ने सिर्फ जीरोज फाइंड आउट करके नहीं छोड़ना है, आप लोगों ने रिलेशन की वेरीफिकेशन जरूर करनी है, बिकॉज हाफ मार्क्स हमारे पास इसके भी होते हैं. ओके, सो बेटा सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन. अब क्वेश्चन में अगर हमें कहा है कि सम इज इक्वल्स टू माइनस 3 एंड product of the zeros is 2. So sum is equals to alpha plus beta is given, that is equals to minus b upon a is equals to minus 3. This is given. And in product, in case of product means alpha multiplied by beta is equals to c by a is equals to given as 2. Okay. So now compare these two things, beta. So when we compare these,
डिनोमिनेटर में वन डालो आप, इधर भी डिनोमिनेटर में वन डालो। सबसे पहले अगर हम कंपेयर करते हैं तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, बी इज इक्वल्स टू थ्री आ रहा है, ओके, एंड फ्रॉम हेयर सी इज इक्वल्स टू टू। लेकिन एक चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है, आपने बी और सी की वैल्यूज तब भी फाइंड आउट करनी है व्हेन ए इज सेम इन बोथ साइड्स, ठीक है, कि जो ए की वैल्यू है इधर भी वन है, ए की वैल्यू जो है वन है, तब हमने बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट की है। बट अगर आपके पास ए सेम नहीं है तो पहले आप ए को सेम बनाओ, उसके बाद आप जो है बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करो, ओके बेटा। सो फ्रॉम हेयर वी फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड सी एंड ए इज इक्वल्स टू वन। नाउ जर्नल इक्वेशन क्या है क्वाड्रेटिक, दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, a is equals to 1, this is x square, b is equals to 3x and plus c is 2. So this is the quadratic equation whose sum is minus 3 and product is minus 2. Now beta, in previous class we discuss only about the quadratic equations formula, ki when we have the quadratic equation then what is the formula for sum of the zeros and what is the formula for the product of the zeros, ठीक है। But if we have cubic polynomial, okay, if we have cubic polynomial then what is the formula for sum of the zeros and product of the zeros, okay, so now let's start with it. So बेटा मैंने आप लोगों को ये चीज़ बात पहले भी बताई है कि cubic अगर हमारे पास polynomial है तो उसकी जो maximum number of zeros होंगी that is 3, ओके, सो इसकी 3 जीरोज़ होंगी। अभी तक हमारे पास 2 थी तो हम अल्फ़ा बीटा कंसिडर कर रहे थे, नाउ वी हैव 3 जीरोज़, सो लेट अस कंसिडर अल्फ़ा बीटा एंड गामा, कि हमारे पास 3 जीरोज़ हैं अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ओके। सो व्हेन वी ऐड ऑल दी जीरोज़ तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, सेम एज दैट ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, ओके। नाउ सेकेंड वन इज व्हेन वी मल्टीप्लाई एंड ऐड the zeros, that is equals to c by a, and last one is alpha beta and gamma is equals to minus d by a. But what is d here, ठीक है, a b c आपको पता है, but what about d? So बेटा जो हमारे पास cubic equation होती है उसकी जो general equation होती है that is equals to a x cube plus b x square plus c x plus d. This is the general equation for cubic polynomials, okay? एंड बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के पास इसमें भी ऐसा ही आता है कि थ्री जीरोस गिवन है हमें वेरीफाई करना है, बट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर फॉर द स्टैंडर्ड लेवल पेपर। आप लोगों के पास दो होते हैं ना, वन इज़ बेसिक एंड वन इज स्टैंडर्ड, तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के पास स्टैंडर्ड लेवल पे आ सकता है, बेसिक पे आपके पास नहीं आएगा। बेसिक पे आपके पास जो मैंने लास्ट टू क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ओके। सो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने स्टैंडर्ड ली है, स्टैंडर्ड मैथ्स है जिनके पास, उन्हें ये वाले क्वेश्चन ज़रूर करने हैं, ओके। सो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 2.2। इन एक्सरसाइज 2.3 वी विल डिस्कस अबाउट द डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।